लिए हमारी तरफ से विकास की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या बोले? एटम बम आराम से चले। और ताई जी पटाखा फोड़ने वाली है, बड़ा मेरी ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ एकदम राजी खुशी होंगे। मैं सोग्रावा स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत गांव गलियारों और पहाड़ों में। तो सबसे पहले अब मैं आपको इगास की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आज पहाड़ी इगास है, जो कि पहाड़ों के लोग, उत्तराखंड के लोग मनाते हैं इगास। तो इगास में क्या होता है कि दिवाली की तरह भैलो दिए जलाए जाते हैं, अगरबत्ती जलाई जाती है और पटाखे उटाखे फोड़े जाते हैं, बिल्कुल दिवाली की तरह ही मनाया जाता है। तो मनाने का कारण मैं आपको बताता हूँ, पहाड़ों में इगास को क्यों मनाया जाता है कि जब श्री राम जी अयोध्या आए थे तो उस समय तो यहाँ के लोगों को मतलब पता नहीं था कि उस समय, उस जमाने में ना तो तार थी, ना चिट्ठी थी, ना कोई संसाधन था कि जिस वजह से पहाड़ के लोगों को पता चल सका कि मतलब श्री राम जी अयोध्या आ चुके हैं। तो उस समय वहाँ के लोगों ने तो दिवाली मनाई थी, इसलिए दिवाली के बाद 11 दिन बाद मनाया जाता है कि यहाँ के लोगों को दिवाली के 11 दिन बाद पता चला कि श्री राम जी अयोध्या आ चुके हैं, तब उन्होंने उस दिन इगास को मनाई गई है। दिवाली तो मनाते ही मनाते हैं, प्लस 11 दिन बाद इगास भी मनाया जाता है। और दूसरा रीज़न ये है कि वीर माधव सिंह भंडारी, जो कि दुश्मनों को अपने परास्त करके उत्तराखंड आए थे, तो उनकी खुशी के लिए लोगों ने भैले जलाए, ढोल दमो बजाए, भूरे पकोड़े बनाए और पटाखे उटाखे, मतलब ये त्यौहार मनाया था। तो दिवाली के 11 दिन बाद आए थे वो वीर माधव सिंह भंडारी अपने दुश्मनों को परास्त करके, जो उत्तराखंड के राजा थे। तो इसलिए उत्तराखंड के लोग इगास को मनाते थे। चलिए जी, आज दिखाएंगे आपको इगास किस प्रकार से मनाई जाती है और सुबह का नज़ारा दिखाएंगे, आज का दिनचर्या पूरा आपको दिखाएंगे, तो बने रहेगा हमारे साथ। चलिए जी, आज के दिन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक ही बात कहना चाहूँगा, हमारे जीजाजी मोहन सिंह नेगी ग्राम कोला, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। तो अगर बजरंग बली के भक्तों ने चाहा तो और भी आगे जाएंगे। तो बोलिए मेरे साथ, जय श्री राम। तो चलिए जी, आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आज खेतों में गुड़ाई करनी है और प्याज भी लगाने हैं। तो चलिए जी, दिखाते हैं आपको। ताई जी वहाँ तैयारी कर रही है, मैं इधर आया था थोड़ी देर, हाथ एकदम आजकल बिल्कुल ठुन हो गए हैं हाथ, सुबह सन हो जाते हैं, उसके बाद मैं यहाँ आया धूप ऊप सेका और अब चलता हूँ खेतों की तरफ ताई जी के साथ गुड़ाई करने में और प्याज लगाने में। मेरे साथ आया है गिंडुकू। गिंडुक रे, इनकी छुट्टियाँ पड़ी हुई है आजकल, तो क्या नुस है माँ? हैं, चल चल दिया चल। कुमरुल बाबा, ये देखो कुमरुल कान बने छत, ये पूरे देख सकते हो कुमर लग चुके हैं इसमें। कहा गए चा घास में है, कहा गए सार है। तो चलिए जी, चलते हैं ताई जी के साथ आज प्याज लगाते हैं। ये देख सकते हो इसको, इसने मार दिया खड़ोले ने, इसलिए डर के मारे पेड़ में चढ़ गए। ये देखो वो बहुत खतरनाक है, मारने के लिए आता वो है। किले गए, किले आए तू? या जब तुझे पता चाहिए या को बकरा चलाना चाहिए, खड़ोला चाहिए, तो कल मारती है खड़ोला और भड़का दे तू है, कब को मारो ले है, लदौड़ पर पेट पे मारा उसने है। तो देख सकते हो इसको खड़ोले ने ऊपर से नीचे फेंक दिया खेत से, बहुत खतरनाक मारने के लिए था। पेट पे मारा हम सिंगल मार है, तो अल भी हरी जब तक हम बोले हल ना ना, तो क्या करना है। देख सकते हो यहाँ भी एकदम वीराना हो गया है, ताऊ जी और ताई जी चले गए हैं दिल्ली। ये देख सकते हो पूरा एकदम खाली हो चुका है, नहीं तो यहाँ पे ताई जी रोटी बना रही होती थी सुबह इस टाइम तक, क्योंकि 8:30 बजे का टाइम हो रहा है और ताऊ जी वहाँ पे धूप सेक रहे होते थे, पर अब चले गए हैं, अब 6 महीने बाद आएंगे जब गर्मियों का सीजन आए। और ये ताऊ जी भी चले गए हैं, ये देख सकते हो है ना, मेरे बड़ा तल है पुंगड़ एक बचा गया। तो कल बोलो
लदर देखी जरा वो भी कह रही ये देखा जी लग गया क्या कग लगी से कग मारे ये कम तो नीचे आ जाओ सब ऊंचे आए तो ना बराबर था हाँ क्या पारी से चल चल पड़े चलाऊं मैं कल बाल तीन वक्त जाना हाँ यहाँ पे चल रही है गुडाई इस खेत में लगेगी प्याज प्याज पुतनी दे माँ इसमें प्याज लगा रही है ताई जी ये देख सकते हो और भुंदरा भुंदरा भी लगी हुई है प्याज लगाने में अरे ये मैलम क्या चे? अच्छा इसमें लासन है अरे मक्के बुती हुई है क्या है इसमें भी देख सकते हो धीरे धीरे छोटे छोटे दाने निकलने लगे हैं और ये खेत पूरी गुडाई होगी यहाँ पे प्याज लगाया जाएगा तो इस प्रकार से गोड़ा जाता है इसके बाद प्याज कब छी की कैली इसमें मोल गोबर ये गोबर है और यहाँ गुडाई चल रही है और इसके बाद प्याज लगाया जाएगा इस सामने देखिए वर्षण देव के पास बिल्कुल पहुंचने वाली रोड पूरी गांव में चली गई है ये है हमारे वर्षण देव की चोटी जय हो वर्षण देव ये देख सकते हो बिल्कुल सामने ये रोड बिल्कुल पहुंचने ही वाली है ऊपर ये देखिए संजू भाई का वो गाना जो था वो मेरे दिल में बस गया है कि कभी सीला पाखोरी ठू कभी तेला गामा बहुत बस काम कर रहा है काम कर रहा मिक्स करने की दे ये मिक्स करने की सब इन दोनों को धनिया और पालक इन दोनों को मिक्स किया जाता है और इसको ऐसे खचोला खचोल खचोला खचोल करके मिक्स करना है खचोला खचोल ये हो गया साफ खचोला खचोल करेगी इन्हें मिक्स करण ये गाना गा यार क्या गाना गाने मिले मस्त हो यार ये है जी प्याज ये देखो दोस्तों खाने के लिए आ जाना जब हो रही हूँ प्याज जब हो जाएंगे है? जब हो जाएंगे तब खाने के लिए आलन बनाएंगे अच्छा कौन लगा दिए थे कभी लगाए जरा इसको ऐसे लगाती ऐसे ऐसे करके ठीक है ये अच्छा एक पुट माटा पुट कुचान पुट ये होगा तब गिंडकी जैसे पीछे का हिस्सा एक इसके अंदर डालना पड़ता है और ऊपर का सब बाहर चलिए जी इसमें पानी भी डाल दिया है और प्याज भी लगा दिए हैं और अब ये होंगे 4-6 महीने के बाद हैं 4-6 महीने बाद ये देखना इतने बड़े बड़े प्याज हो जाएंगे गोबर भी डाल दिया है पानी भी चार दिया और गोड़ भी दिया लगा भी दिया है और मौसम देखिए 12 बजने वाले हैं और ये देखिए चारों तरफ धूप खिली हुई है ये देखिए जी जैसे मैंने कहा था कि आज घास है ये देख सकते हो पूरे देख सकते हो मोमबत्तियाँ एकदम चारों तरफ जला दी है और ताई जी लगी हुई है यहाँ पे और एक आज हमने ज़्यादा बड़ा भैला नहीं बना पाया लेकिन छोटा सा ही बनाया है तो वो अभी घुमाएंगे और इगास मनाएंगे तो इगास के आपको ढेर सारी शुभकामनाएं जैसे मैंने कहा था और खाने में क्या बन रहा आज आज बोले आलू गोभी साग अच्छा
के लिए हमारी तरफ से इगास की ढेर सारी शुभकामनाएं। अरे एक हमने छोटा सा भैलू भी बनाया है और बड़ा नहीं बना पाए, तो वो भी घुमाएंगे और वो भी दिखाएंगे। आज चारों तरफ मंदिरों में भी दिए जला दिए हैं, बाहर हमने मोमबत्तियां लगा दी है, तभी थोड़ी देर में भैलू बनाएंगे और वो भी घुमाएंगे और इगास को एंजॉय करेंगे। हम अभी दो तीन और रहे मेरे पास दिवाली के बचे हुए, तो गेमर इसको जलाने जा रहा है। जलाए जरा, गेमर जला रहा पटाखा। ओहो अरे जल गया, जल गया। बस चलो देखते हैं कितनी फटाक होती है। क्या साउंड है रहा भैया। ये है जो हमारा छोटा भैलू बना रखा है हमने। भैलू है ये, भैलू है। पहले जलन दिया तब खांदी, कसम से ये जला जरा। फर्स्ट क्लास भैलू चो लामी जालू कनी ब्रज का ये ला। अरे नींबू हट जा। हां घुमा घुमा आराम से, अब बोने भी रे, आराम आराम से घुमा। इन ये पूर्ण पकाया लू लग रही। आराम से आराम से घुमा घुमा घुमा। अब बोल इगास को दिवाली को भैलू भैलू घुमा। ये सवास अब चंद दे। भैलो भैल दिवाली को इगासी को भैलो भैल ये भैलो 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 अरे अरे भैलो खेलो ओ सिंचुई आई चल तू भागे जाई रे भैलो टूट गया लियान दूसर दाब येलो भैलो भैलो दूसर दाब येलो ये पास किला बुढ़ी तिल घुमाने आले यार। अरे काम लगी से काम तो बाद में भेज लो। क्या बोलो एटम बम आराम से चले। एटम बम वे से मला अंदर वाला ताल नंबर जा 20 सेकंड कर वे बुक ओ कांड निया कांड नि रे वादे की पड़का का खरदार का क्या यार। अरे बहुत दूर था भी और ताई जी पटाखा फोड़ने वाले हैं। बड़ा छस वो आपका नाम है ओ बुशवा हो। चल अब भाभी के पास भी एक बम का गए थे। अब हम अब ते बैठ आराम से चले। चले मला नहीं देर पर 20 सेकंड देर अगर गिर कॉल तो यो क्या पड़गा चोट हुआ भाई ये देखो तुम। तो ये चीज़ हमारी इगास जो कि हमने मनाई और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों तक और दिखाइए पहाड़ों में कितनी मजा है। अगर आज चाहो तो पहाड़ों में भी बहुत सारे त्यौहार आते हैं। दिवाली के 11 दिन बाद इगास आती है जो हर पहाड़ी मनाता है। और सब्जी में तो आपको बता ही दिया है, गोभी की सब्जी, आलू की सब्जी और रोटी बनी हुई है और खूब हमने इंजॉय कर लिया है अब भी। और सुबह से भी आपको नज़ारे दिखा दिए हैं। तो आई होप कि वीडियो पसंद आई हो। तो अपने इस छोटे भाई बेटे सामान को एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारी वीडियो को अपनों तक। मैं अशोक रावत मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड एंड लव यू ऑल। लव यू ऑल।